जोहार झारखंड, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड प्राथमिक शिक्षक नियमावली 2022 को लेकर के। तो बताते चले, जिसका आपको लंबे अरसे से इंतजार था, उसके लिए प्राथमिक शिक्षकों के लिए यहाँ पर 1 से 5 शिक्षक और 6 से 8 शिक्षक बहाली के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो इस अधिसूचना के अनुसार योग्यता क्या है, उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया, पद एवं वेतनमान, 1 से 5 शिक्षक का सिलेबस, 6 से 8 शिक्षक का सिलेबस क्या बनाया गया है, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा और सारी बातों की जानकारी लेते रहिएगा। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट अवश्य कीजिएगा। प्राथमिक शिक्षकों की नियमावली का अधिसूचना जारी कर दिया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे 1060/7/6/2022 को यहाँ पर जो है दिखा दिया गया है। झारखंड राज्य के प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मापदंडों को पूर्ण करने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल एतद द्वारा झारखंड राज्य के स्कूलों एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन प्राथमिक प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत दिनों से जो इंतजार था प्राथमिक शिक्षकों की नियमावली की, तो वो नियमावली दे दी गई है। तो वो नियमावली को हम यहाँ पर देखते चलेंगे, इसकी सारी शर्तें क्या क्या दी गई है। हम चर्चा करेंगे कि सहायक आचार्य नियुक्ति में शामिल होने के लिए न्यूनतम अर्हताएँ निम्नवत होगी, यानी यह अर्हता आप पूरा करते हैं तो आप यहाँ पर सहायक आचार्य की नियुक्ति में शामिल हो सकते हैं। तो क्या क्या इसके लिए प्रक्रिया रखा गया है, तो सबसे पहला चीज़ आप देखेंगे वह भारत का नागरिक हो। दूसरा है किसी भी न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में सजा प्राप्त अथवा दोष सिद्ध नहीं हो अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त अथवा आर्थिक रूप से दिवालिया घोषित नहीं हो। खन ग नंबर में सहायक आचार्य के सीधे नियुक्ति हेतु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु सेवा के अंतर्गत होगा। उम्र की गणना जिस पंचांग वर्ष में नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित उस वर्ष की 1 अगस्त से की जाएगी, परंतु प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदा आधारित कार्यरत कर्मियों जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्षों की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो को संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम उम्र सीमा 58। यह आप सभी सहायक अध्यापकों के लिए या पारा शिक्षकों के लिए है कि बीच में जो है 2 वर्ष का कहीं भी टूट 2 वर्ष के लिए नहीं होना चाहिए। इस बीच में यह सहायक अध्यापकों के लिए संविदा कर्मी कहने का मतलब यह होगा। अगला है सेकेंड नंबर, ऐसे अभ्यर्थी जिनके सहायक आचार्य के रूप में नियुक्ति के पूर्व किसी भी आरोप या अनियमितता के कारण संविदा रद्द हो गई हो उन पर नियम 3 का परंतु 1 लागू नहीं होगा। बीच में 2 साल अगर फिर पूरे हो गए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगला है, सभी अभ्यर्थियों को पिछली नियुक्ति परीक्षा एवं आगामी नियुक्ति परीक्षा के बीच की अंतराल अवधि में 1 वर्ष को छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। उदाहरण स्वरूप, सहायक आचार्य या सहायक शिक्षक नियुक्ति हेतु वर्ष 2015 में प्रथम विज्ञापन प्रकाशित करने के उपरांत द्वितीय विज्ञापन वर्ष 2020 में प्रकाशित किया जाता तो 1 वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम 4 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर 4 वर्ष का आपको छूट दिया गया है। अगला है, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियम 3(1)(अ) में उल्लेखित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता तथा नियम 3(1)(ब) में वर्णित सहायक अर्हता जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। इसको ये आपको नीचे मिल जाएगा, जो आपका 3 का यहाँ पर कहा जा रहा है, 3 वाला हम यहाँ पर ले चलेंगे, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता उसमें होना चाहिए। अगला, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के लिए नियमावली 3(च) का दिया हुआ है नीचे, उसको आप यहाँ पर देख लेंगे और उसको हम ले चलेंगे, तो ये यहाँ पर होना चाहिए। अगला है, गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए निम्नलिखित विषयों में क्या योग्यता होनी चाहिए अर्हता, तो आप देखेंगे गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए निम्नलिखित विषयों में स्नातक विज्ञान या विज्ञान स्नातक प्रतिष्ठा, यानी विज्ञान में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान कोई भी सब्जेक्ट लेकर के पास हो या किसी विषय से उसमें विज्ञान का जो विषय है उससे प्रतिष्ठा प्राप्त होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए कौन कौन से विषय हैं, तो सामाजिक विज्ञान के लिए आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र,
लेखा शास्त्र या व्यापार अध्ययन, किसी में से यहाँ पर आप स्नातक प्रतिष्ठा किए हुए हो या यह सब्जेक्ट लेकर के आप पास किए हो तो आप भर सकते हैं। अगला कंडिका है भाषा शिक्षक का अंग्रेजी एवं हिंदी के अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 453 दिनांक 18 जिलावार भाषा में से किसी एक विषय में स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा विषय के रूप में कोई एक विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। तो यहाँ पर आपको स्नातक होना चाहिए या स्नातक प्रतिष्ठा विषय के रूप में एक विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण हो। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा भविष्य में किए गए संशोधन स्वतः इस नियमावली के अंग होंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे उसी विषय विषय समूह में सहायक आचार्य नियुक्ति के पात्र होंगे एवं जी अधिसूचित क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा से शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही उस जिले में विशेष नियुक्ति के योग्य होंगे। आगे हम देखते हैं यहाँ पर शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताएं में क्या क्या होना चाहिए। तो प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 इंटरमीडिएट प्रशिक्षित स्तरीय के सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं या इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेंगे। यानी जो यहाँ पर झारखंड की आच्छादित आरक्षण नीति लागू है अगर उसको पूरा करते हैं तो उन्हें ये इसके लिए जो है आच्छादित रहेगा, उनके यहाँ पर नहीं कुछ करने होंगे। अगला देखिएगा न्यूनतम 50% अंकों के साथ प्लस टू यानी इंटर उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष अथवा प्रारंभिक शिक्षा में द्विपक्षीय डिप्लोमा चाहे उसे कोई मान्यता दिया गया हो। अगला यहाँ पर है न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विपक्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानद 2002 के अनुसार सत्र 2007-2009 तक प्राप्त किया गया हो। अथवा और भी देखिएगा विकल्प यहाँ पर दिया गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ प्लस टू उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BA.LED या और भी ऑप्शन है न्यूनतम 50% अंकों के साथ प्लस टू उत्तीर्ण या उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विशेष में द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो। अगला आप यहाँ पर देखेंगे अथवा में वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में कैंडिडेट न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा इसके समकक्ष 1 वर्षीय BA.ED द्विवर्षीय BA.ED और अभ्यर्थी सत्र के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय सहायक आचार्य परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्चों पर एक अवसरीय रूप में 6 माह का ब्रिज सेतु कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनका अभ्यर्थित्व विचारणीय नहीं होगा तथा रद्द कर दिया जाएगा। तो आप 1 से 5 के शिक्षक में BA.ED वाले भर सकते हैं लेकिन उनका ब्रिज कोर्स करना यहाँ पर अनिवार्य होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET उत्तीर्ण होना होगा। यानी यदि आप 1 से 5 में भरना चाहते हैं शिक्षक बनना चाहते हैं तो 1 से 5 का JTET पास होना चाहिए और 6 से 8 का यदि बनना चाहते हैं तो 6 से 8 का शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET उत्तीर्ण होना चाहिए। उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं इंटरमीडिएट। अब देखिए यहाँ पर उच्च प्राथमिक जो 6 to 8 का यहाँ पर बात किया जा रहा है, ठीक है, 6 to 8 के लिए है। देखिएगा यहाँ पर जिस विषय हेतु आवेदन देंगे 6 to 8 में आप जिस विषय हेतु आवेदन देंगे उसमें स्नातक अथवा उसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो आपको होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकेंगे। इसके लिए हर तैयारी रखी गई है। यहाँ में देखिएगा न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक BA.ED अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा अगला यहाँ पर हम चर्चा करेंगे पद एवं वेतनमान की, तीसरा अध्याय होगा।
इसमें चौथा पॉइंट है, राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक विद्यालय में सुचारू रूप से पठन पाठन संचालित करने हेतु जिलावार सृजित किए जाने वाले सभी पद सहायक आचार्य संवर्ग के अंतर्गत होंगे। इनका संवर्ग जिला स्तरीय होगा और इसकी अधोलिखित श्रेणी होगी। पाँच का क, इंटर प्रतिशिक्षित सहायक आचार्य इस पद पर सिर्फ सीधी नियुक्ति ही की जाएगी। इनका वेतनमान लेवल 4 होगा और 25,500 प्लस सरकार द्वारा अनुमानित अन्य भत्ते होंगे। तो इसका पेमेंट, अगर वेतन आप देखना चाहते हैं तो वेतन के लिए आप कमेंट कीजिएगा, हम आपका वेतन इसको बना करके बता देंगे कि आपका वेतन कितना होगा और कैसे वेतन बनता है। अगला आप देखेंगे स्नातक प्रशिक्षित 6-8 के लिए, ये हो गया 6-8 के लिए। स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य इस श्रेणी के अंतर्गत विषयवार सहायक आचार्य की 3 उपश्रेणियाँ निम्नवत होंगे, गणित एवं विज्ञान सहायक आचार्य, सामाजिक विज्ञान सहायक आचार्य, भाषा सहायक आचार्य। अब देखिएगा ये 3 श्रेणी में बटा हुआ है, इनका वेतन मान लेवल क्या होगा। तो इनका वेतन मान लेवल 5 होगा, जो 28,200 सरकार द्वारा अनुमानीय अन्य भत्ते जो मिलते हैं वो होगा। अगर इसका पेमेंट आपको चाहिए 6-8 का तो वो भी कमेंट कीजिएगा, हम आपको बना करके अगले वीडियो में देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर छठा नंबर आ रहा है कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य जो स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य की सीधी नियुक्ति हेतु चिन्हित में से 50% पद केंद्र या राज्य प्रशासनिक शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड के राष्ट्र नियंत्रणाधीन संविदाधारी कर्मियों जिनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि के न्यूनतम लगातार 2 वर्ष की गई है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि में कार्यरत होकर क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो सहायक अध्यापक आपके हैं, जो पारा शिक्षक हैं, उनके लिए 50% सीट जो है यहाँ पर आरक्षित कर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर आरक्षण, आरक्षण क्षैतिज आरक्षण संविदा कर्मियों के लिए प्रायोजित क्षैतिज आरक्षण छोड़कर सुविधा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड के नियमों के अनुसार देय होगा। झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन सहायक आचार्य की नियुक्तियों में किया जाएगा तथा आरक्षण का लाभ मात्र झारखंड सरकार के सक्षम प्राधिकार अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पर होगा। भविष्य में आरक्षण और क्षेत्रीय राज्य संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचना प्रावधान इस नियमावली के अंश माने जाएंगे। तो यहाँ पर भी आरक्षण आपको मिलेंगे। चलिए अब देखेंगे आगे, हम देखेंगे कि इसमें चयन या प्रतियोगिता परीक्षा किस प्रकार से लिया जाएगा। अध्याय 3 में वर्णित सहायक आचार्य के पद पर सीधी नियुक्ति निम्नोत की जाएगी। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग विभाग द्वारा पारदर्शी तरीके से चयनित अभिकरण प्राधिकार द्वारा सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु अध्याय 2 के अनुसार योग्य अभ्यर्थी आवेदन दे सकेंगे। तो चयन या प्रतियोगिता परीक्षा जो है वो JSSC की तरफ से आपका लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसका सिलेबस भी दे दिया गया है कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के सीधी नियुक्ति के रिक्त पद पर चयन हेतु परीक्षा के कठिनाई का स्तर +2 इंटर होगा और झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा कक्षा 1-12 के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा का स्वरूप निम्नोत होगा। तो परीक्षा किस प्रकार से होगा वो आप यहाँ पर देख लेंगे। तो देखिए परीक्षा का स्वरूप जो है यहाँ पर आपको दिया गया है वो 1-5 के लिए, ये हम जो चर्चा कर रहे हैं 1-5 के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से 70 प्रश्न होंगे और 70 नंबर का पूर्णांक होगा और परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होंगे, ठीक है। क्षेत्रीय एवं जनजाति भाषा जो भी आपके जिला की होगी उसके 70 प्रश्न होंगे और 70 नंबर का पूर्णांक होगा और परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। बी नंबर सेकेंड पत्र जो होगा इसका माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, कोई भी एक मातृभाषा से आपको यहाँ पर प्रश्न लेना है, जिसमें 100 प्रश्न होंगे मातृभाषा के और 100 यहाँ पर पूर्णांक भी होंगे और इसकी अवधि जो है 2 घंटे की होगी। यानी 2 घंटे में आपको माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा से यहाँ पर लेना होगा और वो आपका हो जाएगा। अगला आप देखिएगा सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी के अंतर्गत आपको 40 प्रश्न होगा और यहाँ पर 40 नंबर का वो देना होगा आपको, ठीक है। ये सी नंबर में चल रहा है, सी नंबर में 3rd पेपर का। दूसरा सामाजिक विज्ञान से आपको 70 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह 70 नंबर का होगा, परीक्षा की अवधि ये 2.5 घंटा के अंतर है। अब विज्ञान एवं गणित के अंतर्गत, विज्ञान एवं गणित के अंतर्गत 70 प्रश्न होंगे और कुल 70 नंबर का होगा। तो ये आप देख रहे हैं 40, 70 और 70, ठीक है। तो 70 और 70 यहाँ पर हो जाता है आपका 140 और यहाँ पर 40, 180, ठीक है। तो 180 प्रश्न होंगे और ये जो है आपका यहाँ पर 2.5 घंटे में ही आपको बनाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सी में कुल 3 पत्र होंगे आपके। तो कुल जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 250, ठीक है, 250
50 यहाँ पर होंगे और 250 पूर्णांक का होगा। अब देखते हैं यहाँ पर 6 to 8 के लिए स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा की कठिनाई का स्तर स्नातक स्तरीय होगा। तो देखिए इसके लिए क्या कहा गया है, ये 6 to 8 की अब हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे यहाँ पर 6 to 8 जो भरेंगे। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा से 100 प्रश्न होंगे जिसका पूर्णांक 100 होगा और 2 घंटे की होगी। माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप यहाँ पर जो मातृभाषा है उससे यहाँ पर 70 प्रश्न होंगे और 70 नंबर का होगा और यहाँ पर 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी जो झारखंड राज्य से संबंधित होगा वो 100 नंबर का होगा और 100 नंबर का पूर्णांक होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। अब यहाँ पर वैकल्पिक विषय यहाँ पर 3 गो में से कोई एक आपको लेना चाहिए, आप गणित विज्ञान के शिक्षक के लिए या सामाजिक विज्ञान के लिए या आप यहाँ पर हिंदी के लिए, तो वो सभी के लिए यहाँ पर 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। और अभ्यर्थी किसी अगर आप गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 5 खंड दिया गया है, लेकिन 5 खंड में से 3 खंड का ही उत्तर आपको देना है और वो 150 अंकों का होगा। अगर सामाजिक विज्ञान का आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के लिए 7 खंड है जिसमें किसी 3 खंड का ही उत्तर देना होगा और 150 अंकों का होगा और ये 2.5 घंटा के अंदर ही आपको परीक्षा देना होगा। यदि आप भाषा शिक्षक के बनना चाहते हैं तो अंग्रेजी हिंदी उर्दू में से सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से 50% प्रश्न हिंदी या उर्दू से पूछे जाएंगे। कुल जो है यहाँ पर 150 नंबर का होगा, 150 और ये आपको 2.5 घंटे के अंदर ही यहाँ पर देना होगा। तो इस तरह से वैकल्पिक विषय होंगे, आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो भाषा शिक्षक का प्रश्न करेंगे, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न करेंगे और गणित विज्ञान का बनना चाहते हैं तो गणित विज्ञान का करेंगे, यानी कुल 350 अंकों का परीक्षा होगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे एवं कोई एक विकल्प सबसे उपयुक्त होगा, अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अंकों का ऋणात्मक निगेटिव मार्किंग आपको नहीं दिया गया है। अब देखिएगा अंगा में वर्ग 1 से 5 के लिए परीक्षा 3 पाली में आयोजित की जाएगी जिसमें प्रथम पाली में कंडिका ख अ, द्वितीय पाली में कंडिका ख ब, तृतीय पाली में कंडिका ख 1, 2, 3 की परीक्षा होगी। प्रत्येक पाली की परीक्षा निर्धारित अवधि के अनुसार ही होगी। तो इसके लिए देखिए प्रत्येक पाली की परीक्षा के लिए अवधि आपको दे दिया गया है जो अभी हमने आपको बताया था, उसी तरह से 6 to 8 के लिए भी दिया हुआ है। वर्ग 6 से 8 के लिए परीक्षा 3 पाली में आयोजित की जाएगी जिसमें प्रथम पाली में ग ए, द्वितीय पाली में ग अ, तृतीय पाली में कंडिका ग ब एवं चतुर्थ पाली में कंडिका सी का 1, 2, 3 की परीक्षा होगी। प्रत्येक पाली की परीक्षा निर्धारित अवधि के अनुसार होगी। इस तरह से यहाँ पर सहायक आचार्य की नियुक्ति होगी। आगे देखिएगा लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद के लिए निरूपित अनिवार्य विषय के कंडिका ख ब 1 एवं ग ए 1, 2 माध्यमिक के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अनिवार्य विषय में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही अन्य विषय उत्तर पुस्तिका की जांच की जाएगी, इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ मातृभाषा का जो विषय है वो मेधा सूची में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन आपको 30% अंक जो है वो लाना अनिवार्य होगा। 2, कंडिका ग का सी 1, 2, 3 में से प्रत्येक विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा, उसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाएगा, यानी 33% अंक लाना आपको अनिवार्य किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग परीक्षा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा और इस